हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन अनुज कॉर्नर। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ गुड़ और अदरक की गोली। ऐसा सीजन चल रहा है कि अगर किसी को सर्दी खांसी हो जाए तो बहुत डर लगता है, तो ऐसे में आप घर पे ही दवाई बना सकते हैं। इसके लिए आपको गुड़ और अदरक लगेगा और बहुत ही जल्दी गोली बन के तैयार हो जाएगी। मैंने यहाँ पर गुड़ लिया है, तुलसी, अदरक को मैंने छील के छोटे टुकड़ों में काट लिया है, काली मिर्ची का पाउडर लिया है और नमक लिया है, और मैंने यहाँ पे लिया है चीनी का बूरा और ब्लैक सॉल्ट। इन दोनों को मैंने मिक्स कर लिया है। सबसे पहले हम एक मिक्सर लेंगे और उसमें अदरक, तुलसी और गुड़ को हम बिना पानी के पीसेंगे। इसमें हमें पानी नहीं डालना है, ये बिना पानी के ही पीस जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, ये बिना पानी के ही कितने अच्छे से पिस गया है, हमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और अभी मैंने एक पैन लिया है और उसमें ये मिक्सर ट्रांसफ़र कर रही हूँ। पहले हम गैस को तेज ही रखेंगे और इसको कंटिन्यूसली चलाएंगे तेज आंच पे ही। देखिए अभी बबल्स आने शुरू हो गए हैं, तो अभी हम गैस को स्लो कर लेंगे और इसको कंटिन्यूसली चलाते रहेंगे। चलाना बंद नहीं करना है, नहीं तो वो चिपक जाएगा। अब इसका कलर भी चेंज होना शुरू हो गया है। इसको हम चलाते रहेंगे। अभी मैं इसमें ऐड कर दूंगी नमक और काली मिर्ची पाउडर। काली मिर्ची आप चाहो तो स्किप कर सकते हैं, पर सर्दी खांसी के लिए बहुत अच्छी होती है। ये गोली बहुत ही अच्छी बनके तैयार होगी, और सर्दी खांसी में अगर आप इसे चूसते रहेंगे तो आपको सर्दी खांसी होने का भी बहुत कम चांसेस होंगे। देखिए कुछ समय के बाद पूरा कलर चेंज हो गया है, गुड़ गाढ़ा होना शुरू हो गया है। तो अभी मैंने गैस को बंद कर दिया है और इसको मैं कंटिन्यूसली चलाती रहूँगी। इसको चलाना नहीं छोड़ना है, तब तक चलाते रहेंगे जब तक इसका कलर ना चेंज हो जाए और ये गाढ़ा ना हो जाए। अभी मैं इसे गैस के नीचे उतार लेती हूँ और इसे मैं चलाती रहूँगी। इसे चलाने से वो जल्दी से ठंडा हो जाएगा। देखिए गाढ़ा हो गया है गुड़। इसको एक जगह पे इकट्ठा कर लेंगे हम। ध्यान रखिएगा जब भी आप गोली बनाएंगे, गुड़ बहुत गर्म होता है, थोड़ा ठंडा हो तभी ही आप गोली बनाइएगा, नहीं तो हाथ जल सकता है। अभी हम एक चम्मच की सहायता से थोड़ा थोड़ा गुड़ निकालेंगे और उसके गोल गोल गोलियां बना लेंगे। इसे आप स्टोर करके रख सकते हैं, काफ़ी दिनों तक ये ख़राब नहीं होती है, लगभग 5-6 महीने आराम से चल जाती है। देखिए ऐसे हम पूरे गुड़ की गोलियां बना लेंगे। इतने गुड़ में से इतनी गोलियां बनी है। और अभी मैं इसके ऊपर ब्लैक सॉल्ट और जो चीनी का बूरा था उसको स्प्रे कर देंगे, उसको हम इसके ऊपर ऐड कर देंगे। इससे फ्लेवर एनहेंस हो जाएगा, बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। कैसी लगी आपको रेसिपी कमेंट करके बताइएगा। इस सीज़न में ये गोली बना के रखिए, बच्चों को भी खिलाइए, खुद भी खाइए, किसी को सर्दी खांसी नहीं होगी। अगर रेसिपी अच्छी लगी तो एक कमेंट करके और लाइक करके ज़रूर बताइए, और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए।